हेलो दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं सुन रहे वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ में एक डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा स्पीड सेंसर है महिंद्रा बाजो सीआर इंजन मतलब जिसका ईसीयू केबिन में हो और जिसमें हाई प्रेशर पंप लगा हो, डबल पाइप वाला, उसको बोलते हैं हम लोग सीआर इंजन। तो उसमें जो स्पीड सेंसर में जो प्रॉब्लम आता है हमारा, वो कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है और किस कारण से आता है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मेरा जो उसका वायरिंग डायग्राम और कौन सा पिन में कहाँ गया, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते जाके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या क्या दिक्कत आता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, स्पीड सेंसर में देखिएगा 3 वायर आता है ब्लेजो गाड़ी में, ठीक है। देखिए इस टाइप का पिन रहेगा, जिसमें से एक डमी रहेगा, जो 3 नंबर है वो डमी रहेगा, और जो हमारा ये 4 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर इसमें वायर रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि 4 वायर रहता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो दिखाना वाला हूँ। तो सबसे पहले जब ये हमारा 1 नंबर में जो ब्लैक वायर रहता है, ये आपका आता है 24 वोल्ट का, मतलब पॉजिटिव वायर रहेगा, ठीक है। जब ये वायर कहीं, मान लीजिए गाड़ी बहुत लंबे समय चलता है, चलने के बाद क्या होता है, इसका वायरिंग कहीं कहीं वो रगड़ा जाता है, ये कट जाता है, तो उस टाइम इसका जो ब्लैक वायर कहीं बॉडी में टच हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये वायर है और ये कहीं चेचिस में टच हो गया, ठीक है, ये चेचिस है कहीं से ये टच हो गया, तो ये जो वायर गया है ब्लैक वाला, ये गया डायरेक्ट ईसीएम में, मतलब कि ईसीयू में गया है, ठीक है। तो ईसीयू को पता चलता है कि जो मेरा पॉजिटिव वायर जो ईसीयू से आ रहा था, ये जो ब्लैक वाला वायर आता है ईसीयू से, ठीक है, और यही वायर कहीं अर्थिंग या टच हो गया बॉडी में कहीं, और ये जो वायर है इसमें ईसीयू में पता चला कि ये मेरा कहीं बॉडी में टच हो रहा है। उस टाइम क्या होगा, इस वायर में जो हमारा ईसीयू है जो 24 वोल्ट को दे रहा था, वो यहाँ देना बंद कर देते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, आपका स्पीड मीटर काम नहीं करेगा, फिर जो स्पीड मीटर रहता है हमारा, जो काटा मेरा वो चलते रहता है, ठीक है, वो आपका काम नहीं करेगा। ये तो आपका हो गया कि ब्लैक वाला वायर, ये जरूरी नहीं है कि स्पीड सेंसर का वायर पे ही वहाँ पे होगा, ये आपका जो ब्लैक वाला वायर है 3 जगह गया है। सबसे पहला जो वायर है ये वाला ब्लैक वाला, ये आपका गया है एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच है ना, रिले, उसमें गया है एग्जॉस्ट ब्रेक का जो है रिले है वहाँ गया है, ठीक है। दूसरा जो गया है ये वाटर एंड फ्यूल सेंसर में, वाटर एंड फ्यूल सेंसर में गया है। तीसरा जो गया हमारा स्पीड सेंसर में गया है, मान लीजिए कि आपने इस ये तीनों यहां पर चला गया, यदि किसी का एक वायर यहां पे इसका या वाटर एंड फ्यूल सेंसर का या फिर स्पीड सेंसर कहीं भी वो बॉडी में या कहीं टच होता है, तो आपका स्पीड मीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसके साथ में कभी देखेगा कि कोड आएगा एग्जॉस्ट ब्रेक शॉर्ट सर्किट ग्राउंड, तो इसी टाइप का ही आता है, क्योंकि एग्जॉस्ट ब्रेक का भी जो हमारा वायर है पॉजिटिव का, ये इसी से गया है। और इसमें देखिएगा, अधिकतर ये चांस जो रहता है हमारा इस जो वाटर एंड फ्यूल सेंसर का जो रहता है हमारा कपलर कट जाता है जिस कारण वहाँ पे, तो ये वहाँ से ये प्रॉब्लम को मिलता है देखने को, ठीक है। ये तो आपका ब्लैक वाला वायर हो गया। और मान लीजिए कि आप 24 वोल्ट आपका दिखा रहा है यहाँ पे गाड़ी चलने के बाद, वो फिर आपका स्पीड मीटर कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। उस टाइम क्या होता है, जब हमारा बॉडी में टच होता है तो ईसीयू जो है वोल्टेज देना बंद कर देता है, उस टाइम आपका स्पीड मीटर काम नहीं करेगा। वही जब बॉडी से हल्का सा इधर आता है तो उस टाइम ईसीयू फिर वापस उसको करंट देना चालू कर देता है, उस टाइम आपका फिर स्पीड मीटर काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइम आपको वायरिंग चेक कर देना है, ब्लैक वाला वायर मेरा कहीं टच होने तो नहीं हो रहा है, यदि ये हमेशा टच हो रहा होगा तो आपका ईसीएम को ही ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक वाला वायर। अभी मैं दूसरा जो वायर है इसका सिग्नल का, उसके बारे में बताने आ रहा हूँ। जो दूसरा वायर हमारा है ऑरेंज पे वाइट, ये आया कहाँ से, ईसीयू से आया है,
जो कि आपका ये दूसरा नंबर चौथा नंबर जो पिन है उस पे आया, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल का वायर हो गया। यदि ये बॉडी में कहीं टच हो जाता है मान लीजिए, या किसी वायरिंग में टच हो जाता है, तो इसमें क्या होगा आपका, जो हमारा गियर लिखता है 1 2 3, जिस गाड़ी में जो गियर चल रहा है लिखते हैं मीटर में हमारा, तो आपका स्पीड में लिखेगा, मतलब ऑटोमेटिक गियर बिना गाड़ी के गियर लगाए ही 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक आगे पीछे होते रहेगा, ठीक है। ये ऑरेंज वाला वायर और जो दिख रहा है वो वाला वायर, और आपका ऐसे मीटर का भी आप कभी डाउन स्टॉप का भी होगा, कभी फुल हो जाएगा, कभी 80, कभी 100, कभी 120, मतलब जितना है पूरा फुल, कभी आधा, मतलब कभी भी अप डाउन होते रहेगा। ये उस टाइम ये वायर आपको चेक करना है, ये वायर डायरेक्ट आपका इश्यूज का जो पिन नंबर है हमारा, जो केक कनेक्टर गया है उसमें 34 नंबर में गया है डायरेक्ट, कहीं इधर उधर नहीं गया डायरेक्ट, ये इश्यू का केक कनेक्टर जो है बड़ा वाला कनेक्टर उसका 34 पिन में गया है। यदि आपका गाड़ी में भी 1 2 3 4 ऐसे लिख रहा है गियर और मीटर काउंट से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम आपका ये कोड जो है आएगा, मतलब ये जो वायरिंग जिसका है वो उसमें प्रॉब्लम मिलेगा आपको, ठीक है। और कभी कभार बाई चांस किसी कारण भी किसी का किसी गाड़ियों में जो हमारा स्पीड सेंसर शॉर्ट होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हमारा दिखता है। तो ये हो गया। और जो तीसरा हमारा है ग्राउंड वाला वायर, जो कि हमारा पूरा ऑरेंज रहता है, पूरा ऑरेंज कलर का, जो कि आपका ये हो गया सिग्नल का, सिग्नल का वायर हो गया ऑरेंज वाला, हो गया आपका ग्राउंड, ग्राउंड वाला वायर कहीं बॉडी में टच हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि पॉजिटिव में कहीं टच हो गया तो आपको वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, नहीं तो आपका सिमेंट ऑलरेडी काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये इतना चांस नहीं रहता है। जो दो वायर रहता है, ये सिग्नल का और जो पहले था इसका पॉजिटिव वाला वायर वो रहता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आपका इश्यू से आता है, जो कि आपका पिन नंबर 11 का था के कनेक्टर का, ठीक है। और इससे पहले जो था आपका वो आपका आता है ब्लैक वाला वायर, यह आता है आपका के कनेक्टर का 29 नंबर पिन में। ये 29 जो है हमारा तीन भाग में गया है, एक तो एग्जॉस्ट ब्रेक में, वाटर एंड फ्यूल सेंसर में, और स्पीड सेंसर का ब्लैक वाला वायर, ठीक है। एक चीज़ और, कभी भी आपका स्पीडमीटर काम नहीं कर रहा है उस टाइम दिखेगा कि आपका लैपटॉप में एक कोड आता होगा P0501 ऐसे का, व्हीकल स्पीड पॉजिटिव ईयर का। और जो दूसरा कभी कभार देखिए कोड में आता होगा साथ में किसी किसी कभी कभार P0686, ये आपका ARLY, ठीक है, ARLY इस टाइप का लिखा रहेगा। ये कोड कब आता है, जब आपका ब्लैक वाला वायर कहीं टच रहेगा बॉडी में तब ये कोड जनरेट होगा, ठीक है। ये आपको जो डायग्नोस्टिक मैनुअल उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका जो एक्सर इंजन है उसमें मिलेगा ये कोड, लेकिन उसमें क्या लिखेगा, ECM PCM पावर रिले, ठीक है, वो उसमें नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये मिलेगा देखने को। इसमें इस यही कारण से मतलब ब्लैक वाला वायर कहीं शॉर्ट होता है तो ये आपका कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।